हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आज बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा या फिर मारुति फ्रॉनिक्स। इन दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, या फिर यूं कहें तो हम इन दोनों के बारे में आज कुछ आपको अंतर के बारे में बताएंगे कि ये दोनों कार में से कौन सी कार आपके लिए बेहतर हो सकती है। मारुति सुजुकी एसयूवी सेगमेंट में एक के बाद एक नई गाड़ियों को लॉन्च करने में जुटी हुई है। मारुति सुजुकी ने पिछले महीने में ही अपनी फ्रॉनिक्स को लॉन्च किया है। आज हम आपको मारुति की फ्रॉनिक्स और ब्रेजा के बीच के अंतर को बताने जा रहे हैं। सीधे शब्दों में यूं कहें तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों कार में से कौन सा कार खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में गाइस हम फ्रॉनिक्स के डेल्टा और ब्रेजा के ZXi प्लस 80DT वेरियंट की बात करेंगे। मारुति ब्रेजा में इंजन की बात करें तो 1462cc का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया गया है। ये 6000 RPM पर 101.65 BHP की पावर और 4400 RPM पर 136.8 Nm की पिक टॉर्क जनरेट करती है। इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में जोड़ा गया है। मारुति फ्रॉनिक्स की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको 1197cc का 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिलता है, जो 6000 RPM पर 88.50 BHP की पावर और 4400 RPM पर 113 Nm की पिक टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही गाइस इस इंजन को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं गाइस इनके फ्यूल और परफॉर्मेंस की। ब्रेजा और फ्रॉन्क्स दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल इंजन पर आती हैं। ये BS6 एमिशंस पर बेस्ड हैं। ब्रेजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक ये 19.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। बात करते हैं गाइस फ्रॉन्क्स की, तो यहां पर गाइस आपको BS6 में 2.0 एमिशन पर बेस्ड है। साथ ही गाइस फ्रॉन्क्स में 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और यह 21.79 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस सस्पेंशन, स्टीयरिंग्स और ब्रेक की। फ्रंट में यहाँ पर मैक पियर्सन स्ट्रट का क्वाइल और रियर में टॉर्सन बीम का क्वाइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। ब्रेजा की स्टीयरिंग को टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों की तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रॉनिक्स में गाइस फ्रंट में आपको मैक पियर्सन स्ट्रट और रियर में टॉर्सन बीम का सस्पेंशन मिलता है। फ्रॉनिक्स में स्टीयरिंग को केवल टिल्ट वे में एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है गाइस प्राइस यानी कीमत की। ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति ब्रेजा को 15,76,250 रुपए की ऑन रोड प्राइस पर खरीदी जा सकती है, जबकि फ्रॉनिक्स को 9,25,210 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर खरीदी जा सकती है। साथ ही ब्रेजा पर आपको 29,994 रुपए की फाइनेंस प्लान मिलता है। साथ ही यहां पर 63,333 रुपीज़ का इंश्योरेंस भी आपको इसमें मिल जाएगा। फ्रॉनिक्स की बात करें गाइस तो यहां पर आपको 17,600 रुपीज़ का फाइनेंस और 42,542 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्लान इस व्हीकल पर आपको मिलेगा। सो ये थी गाइस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके माध्यम से आप फ्रॉनिक्स या फिर ब्रेजा दोनों में से किसी भी एक कार्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।